फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और इधर मेरा बेटा बैठा हुआ है, आप सभी का हेलो बोल रहा है। और आज का जो वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं हेयर कॉम्बिंग का वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि हेयर कॉम्बिंग का वीडियो मुझे अपने हस्बैंड के साथ बनाना था। मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि आप अपने हस्बैंड के साथ हेयर ऑयलिंग और हेयर कॉम्बिंग का वीडियो बनाइए, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह में ही काम पर चले जाते हैं और आपने बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, तो फिर इन सभी चीज़ों के लिए उनके पास टाइम नहीं रह जाता है और ना ही उनको इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने उनको इस रिक्वेस्ट के बारे में बताया था तो हंस रहे थे। खैर, हस्बैंड के पास तो इन सभी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा मैं अपने बेटे के साथ ही बना लेती हूँ हेयर कॉम्बिंग का वीडियो। ऐसे तो मेरी बेटी मेरे बालों में बहुत ही अच्छे से कंघी कर देती है और ओली बहुत अच्छे से लगा देती है, लेकिन आज वो नाराज है किसी बात को लेकर। दोनों भाई बहन में कुछ देर पहले झगड़ा हो गया है तो इसी बात से वो नाराज है, इसलिए मैंने आज उसको नहीं बोला है अपने बालों में कंघी करने के लिए। आज मैंने अपने बेटे को बोला है, तो देखिए किस तरह से कंघी कर रहा है। और अभी ये ना मेरे बालों में सफ़ेद बाल ढूंढ रहा था, ये बोला था मम्मी तुम्हारे बाल सफ़ेद है, तो मैंने बोला कि अगर सफ़ेद है तो फिर ढूंढ कर दिखाओ तुम। लेकिन इसको मेरे बालों में एक भी सफ़ेद बाल नहीं मिले। ऐसे नहीं कि मेरे बाल सफ़ेद नहीं होते, कभी कभी एक दो सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन बच्चे जब भी कंघी करते हैं ना, अगर इनको दिख जाता फिर वो खींच करके निकाल देते हैं। लेकिन मैं मना करती हूँ कि मत खींच कर निकाला करो। बहुत लोग कहते हैं ना कि अगर एक भी सफ़ेद बाल हो और उसको खींच कर निकाल दो ना तो फिर बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता ये बात सही है कि गलत है, लेकिन मैं खींचने से मना करती हूँ, मुझे थोड़ा डर लगता है कहीं पूरा बाल ना सफ़ेद हो जाए। देखिए सफ़ेद बाल होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उम्र के साथ होता है, सफ़ेद तो सही रहता है। अगर उम्र से पहले सफ़ेद हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आपको पता है मेरी जो बेटी है ऐसा कितनी छोटी है, फिर भी उसके एक दो बाल सफ़ेद हो गए हैं। अब पता नहीं बच्चों के बाल कैसे सफ़ेद हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है सफ़ेद हो जाते हैं बाल उनके। और देखिए किस तरह से कंघी कर रहा है, और इसको ना बिल्कुल भी कंघी करने नहीं आता है, और ये ज़ोर ज़ोर से खींच खींच के कंघी कर रहा था जिससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा उलझ रहे थे, और उलझने के कारण फिर बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। और इसको मैं बोल रही थी कि आराम से करो, इसको मैं गुस्सा भी कर रही थी, लेकिन फिर भी है ना जोर से खींच के ही कर रहा था। इसको बिल्कुल भी कंघी करने नहीं आता, आयशा को बहुत ही अच्छे से कंघी करने आता है, लेकिन वो आज तो नाराज है, इसलिए मैं आज इससे करवा रही हूँ। और वीडियो का जो ओरिजिनल आवाज़ था ना, मैंने उसको म्यूट कर दिया है क्योंकि नीचे वाले टीवी चला रहे थे ना, तो टीवी का पूरा आवाज़ आ रहा था और उसमें गाना चल रहा था, तो थोड़ा सा कॉपीराइट का डर लग जाता है ना, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और ये देखिए कंघी करते करते इसने मेरा इयर रिंग भी खोल दिया है, तो अभी ये पहना रहा है मुझे। मैं इसको बोली थी रहने तो मैं खुद ही पहन लूँगी, लेकिन फिर भी ये पहना रहा है, तो देखते हैं ये पहना पाता है कि नहीं। कभी इसने पहनाया तो नहीं है इयररिंग, तो पता नहीं पहना पाएगा या नहीं। तो ये देखिए मेरे बेटे ने कितना अच्छे से मुझे इयरिंग पहना दिया है। मुझे लगा कि ये नहीं पहना पाएगा, लेकिन इसने बहुत ही अच्छे से इयरिंग पहना दिया। इयरिंग तो इसने बहुत ही अच्छे से पहना दिया, लेकिन बालों में कंघी ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहा था। ये ना बार बार मेरे बालों को जोर से नीचे की ओर खींच रहा था जिससे मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा उलझ जा रहे थे, और उलझने के कारण फिर बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे। मेरे बाल तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा बेजान है, अगर हल्के से भी उलझ जाते ना तो बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं अगर कंघी करो तो इसलिए मैं इसको मना कर रही थी कि अब रहने दो, मत करो तुम कंघी, नहीं तो मेरे सर पे आज एक भी बाल नहीं बचेगा अगर इसी तरह तुम कंघी करते रहे तो। लेकिन ये मान नहीं रहा था, कंघी करते ही जा रहा था। फिर इससे मैंने कंघी वापस ले लिया, इसको मैंने बोला तुम जाओ अब रूम में जाकर खेलो या तो टीवी देखो, मैं खुद ही कंघी कर लूँगी। तो देखिए मेरे कंघी में कितने सारे बाल लगे हुए हैं, और कंघी में तो उतना ज़्यादा नहीं है, नीचे बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ के गिरे हैं। और ये जो कंघी का फाल देख रहे हैं ना, ये इसी ने किया है। मेरे घर में जितने भी कंघी है ना सभी का यही हाल हो रखा है। ये क्या करता है ना, कंघी से गाड़ी चलाता है, मतलब ज़मीन पर रख देता है, उसको घसीटते हुए आगे ले जाता है, जिससे सभी कंघी का हाल ही हो गया है। और देखिए मेरे बाल कितने रूखे सूखे और बेजान है। अभी तो कुछ सही भी हो गया है, मतलब कुछ दिनों से मैं होम रेमेडी यूज कर रही हूँ जिससे भी थोड़ा सा सही दिख रहा है, और थोड़े से लंबे भी हो गए थे तो फिर मैंने इसको काट दिया, ना बहुत ही ज़्यादा पतले पतले से लग रहे थे तो फिर मैंने थोड़ा सा काट दिया है, तो अभी थोड़ा सा सही हुआ है। हो सकता है अगर इसी तरह से यूज करते रहेंगे तो सही हो जाएगा। और आज का मौसम देख लीजिए कैसा है, आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, हल्की सी धूप निकली है, लेकिन मौसम साफ है। और आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।